हम पहला शामुल की पुस्तक 25 अध्याय उसके 26 से 28 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, और अब हे मेरे प्रभु यहोवा के जीवन के शपथ और तेरे जीवन के शपथ कि यहोवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपना पलटा लेने से रोक रखा है, इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नाबाल ही के समान ठहरें। और अब यह भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा, इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है और जन भर तुझ में कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। मेरे मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह दाऊद के जीवन का आरंभ था। पाप उसके जीवन में बाद में आया, परंतु इस समय उसका जीवन सर्वथा शुद्ध था। वह परमेश्वर के लिए जी रहा था और परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता था। अबीगेल ने इस कारण उसकी प्रशंसा की। पहला शमूएल 25 अध्याय उसके 29 पद में लिखा है, और यद्यपि एक पुरुष तेरा पीछा करने और तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठा है, तो भी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा और तेरे शत्रुओं के प्राणों को वह मानो गोफन में रखकर फेंक देगा। अबीगेल ने यद्यपि शाऊल का नाम नहीं लिया, वह शाऊल को ही उसके प्राणों का ग्राहक संदर्भित कर रही थी। उसने दाऊद के बारे में एक अत्यधिक विशिष्ट बात कही, मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा। मेरे मित्रों, ठीक यही मसीह यीशु में विश्वासी की स्थिति है। यूहन्ना अपनी पहली पत्री में प्रभु यीशु को अनंत जीवन कहता है। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। मेरे मित्रों, जब आप और मैं उसमें विश्वास करते हैं तो वह उद्धार करता है। तब पवित्र आत्मा हमें विश्वासियों की देह में बपतिस्मा देती है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसके 13 पद में पौलुस कहता है, हम सब ने क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। मेरे मित्रों, आप और मैं विश्वासियों की देह मसीह की देह में, मसीह में विश्वास लाने के कारण लाए गए हैं। हमें मसीह में कहा गया है और जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अतः हम जीवन की गठरी में प्रभु यीशु मसीह के साथ बंधे हैं। तब अबीगेल ने कहा, तेरे शत्रुओं के प्राणों को वह मानो गोफन में रख कर फेंक देगा। दाऊद गोफन के बारे में सब जानता था और उसने जिस प्रकार गोलियत को मारा उसे संपूर्ण इसराइल जानता था। अबीगेल ने आगे कहा, पहला शमूएल की पुस्तक 25 अध्याय 30 और 31 पद में, इसलिए जब यहोवा मेरे प्रभु के लिए यह समस्त भलाई करेगा जो उसने तेरे विषय में कही है और तुझे इसराइल पर प्रधान करके ठहराएगा, तब तुझे इस कारण पछताना न होगा वा मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित न होगा कि तूने अकारण खून किया और मेरे प्रभु ने अपना पलटा आप लिया है। फिर जब यहोवा मेरे प्रभु से भलाई करे तब अपनी दासी को स्मरण करना। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि अबीगेल के कहने का अर्थ था कि मेरे पति ने जो किया उसे स्मरण न रख, तू राजा होगा। मैं दाऊद को घोड़े पर बैठे कल्पना नहीं कर सकता कि वह धूल में दंडवत कर रही इस स्त्री को देख रहा हो। वह सुंदर एवं कुलीन स्त्री थी। हम पहला शमूएल 25 अध्याय 32 और 33 पद में पढ़ते हैं, दाऊद ने अबीगेल से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है और तेरा विवेक धन्य है और तू आप भी धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना पलटा आप लेने से रोक लिया है। मित्रों, दाऊद अबीगेल का आभारी था कि उसने बड़ी बुद्धिमानी से उसे एक ऐसे कदम उठाने से रोका जिसे वह करने पर था और उसे बाद में पछताना पड़ता। पहला शमूएल 25 अध्याय के 35 पद में लिखा है,
तब दाऊद ने उसे ग्रहण किया जो वह उसके लिए लाई थी। फिर उसे उसने कहा, अपने घर कुशल से जा, सुन मैंने तेरी बात मानी है और तेरी विनती ग्रहण कर ली है। दाऊद ने अबीगेल का भोजन, परामर्श और व्यक्तित्व स्वीकार किया। तब हम आगे पढ़ते हैं पहला शमूएल 25 अध्याय उसके 36 से 38 पद में। तब अबीगेल नाबाल के पास लौट गई और क्या देखती है कि वह घर में राजा की सी जीवनार कर रहा है और नाबाल का मन मग्न है और वह नशे में अति चूर हो गया है। इसलिए उसने भोर के उजाले होने से पहले उससे कुछ भी ना कहा। बिहान को जब नाबाल का नशा उतर गया तब उसकी पत्नी ने उसे कुल हाल सुना दिया। तब उसके मन का हियाव जाता रहा और वह पत्थर सा सुन्न हो गया और 10 दिन के पश्चात यहोवा ने नाबाल को ऐसा मारा कि वह मर गया। मेरे मित्रों, उस रात नाबाल ने बड़ा भोज किया और बहुत मदिरा पान किया। सुबह जब वह होश में आया तब अबीगेल ने उसे दाऊद के बारे में बताया। तब उसके मन का हियाव जाता रहा और वह पत्थर सा सुन्न हो गया। उसे क्या हुआ था? क्या उसे दिल का दौरा पड़ा था? या अच्छा हुआ कि परमेश्वर ने अबीगेल के हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया, नहीं तो दाऊद के हाथ खून से रंग जाते और परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता था। अब दाऊद क्या करेगा? पारान के रेगिस्तान में एक सुंदर विधवा थी। वह वास्तव में एकमात्र स्त्री थी जो उसके लिए आशीष का कारण थी। हम पहला शमूएल 25 अध्याय उसके 39 पद में पढ़ते हैं, नाबाल के मरने का हाल सुनकर दाऊद ने कहा, धन्य है यहोवा जिसने नाबाल के साथ मेरी नामधराई का मुकदमा लड़के अपने दास को बुराई से रोक रखा और यहोवा ने नाबाल की बुराई को उसी के सिर पर लाद दिया है। तब दाऊद ने लोगों को अबीगेल के पास इसलिए भेजा कि वे उससे उसकी पत्नी होने की बातचीत करें। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब दाऊद ने सुना कि नाबाल की मृत्यु हो गई है तब उसने अबीगेल से विवाह करना चाहा। उसने दाऊद से मार्ग में भेंट करते समय कहा था, जब यहोवा मेरे प्रभु से भलाई करे तब अपनी दासी को स्मरण करना। परंतु दाऊद तो उसे भूल ही नहीं सकता था। आप जानते हैं क्यों? उसने उसके सर्वोत्तम को छू लिया था। उसने उसे परामर्श दिया था और दाऊद जानता था कि उसका परामर्श मूल्यवान है। वह जानता था कि वह उससे प्रेम करने लगा है। यह पहली नज़र का प्यार था। दाऊद ने परमेश्वर का हाथ उसमें देख लिया था। परमेश्वर सुंदरता को भी काम में लेता है। मेरे मित्रों, उस दिन मार्ग में जब दाऊद ने उसके परामर्श के लिए उसे धन्यवाद कहा था तब दो महान व्यक्तित्व आमने सामने खड़े थे। नाबाल की मृत्यु के बाद दाऊद ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और उसने स्वीकार किया। यह दाऊद के जीवन के दूसरे भाग का आरंभ था। अब कुछ और भी हुआ जिसकी अनुमति परमेश्वर ने नहीं दी थी। उसके जीवन में पाप आया। मेरे मित्रों, वह एक कठोर मनुष्य था और कठोर जीवन जी रहा था। एक दिन वह हत्यारा बन गया। क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने मन का मनुष्य कहा तो इसका अर्थ क्या यह था कि परमेश्वर ने उसका जीवन सत्यापित किया? हम देखेंगे कि जब दाऊद ने परमेश्वर के लिए भव्य मंदिर बनाना चाहा या इच्छा प्रकट की तब परमेश्वर को उससे कहना पड़ा, नहीं, परमेश्वर उसे मंदिर बनाने की अनुमति नहीं देगा क्योंकि उसके जीवन में पाप था। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 25 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 26 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। इसमें हम देखेंगे दाऊद द्वारा शाऊल को दूसरी बार जीवन दान। हम देखते हैं कि दाऊद ने जीव के जंगल में दूसरी बार शाऊल को जीवन दान दिया। शाऊल और दाऊद में विषमता देखिए। शाऊल स्पष्ट जानता था कि दाऊद परमेश्वर की पसंद था परंतु वह फिर भी उसे घात करना चाहता था और दाऊद जानता था कि शाऊल अभिषिक्त राजा है, अतः वह उसे नहीं मारता था। दाऊद ने दूसरी बार शाऊल को जीवन दान दिया। हम पहला शमूएल की पुस्तक 26 अध्याय उसके 1 और 2 पद में पढ़ते हैं, फिर जीपी लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, क्या दाऊद उस हकीला नाम पहाड़ी पर जो यशीमोन के सामने है छिपा नहीं रहता? तब शाऊल उठकर इसराइल के 3,000 छांटे हुए योद्धा संग लिए हुए गया कि दाऊद को जीप के जंगल में खोजे।
मित्रों ध्यान दीजिए, शाऊल दाऊद के विनाश का दूसरा अभियान आरंभ करता है। दाऊद जंगल में भागा और शाऊल ने उसका पीछा किया। दाऊद एक उत्तम सिपाही था और वह वहां का भूगोल जानता था, इस कारण वह एक अच्छा सेना नायक था। उसके साथी भी उसके साथ निष्ठावान थे जो उसके लिए जान निछावर करने को तैयार थे। दूसरी ओर शाऊल वहां के भूगोल से परिचित नहीं था और उसकी सेना भी उसकी निष्ठावान नहीं थी। शाऊल को उन पर विश्वास भी कम ही था। हम पहला शाऊल 26 अध्याय उसके 4 पद में पढ़ते हैं, तब दाऊद ने भेदियों को भेजकर निश्चय कर लिया कि शाऊल सचमुच आ गया है। अब देखिए, दाऊद को विश्वास नहीं हो रहा था कि शाऊल अपरिचित क्षेत्र में आएगा। यह एक ऐसी सैनिक भूल थी कि दाऊद को भेदिए भेजने पड़े कि उस क्षेत्र में शाऊल की उपस्थिति की सच्चा समाचार को लाए। उसके भेदियों ने पुष्टि की कि शाऊल वहां है। पहला शाऊल 26 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, तब दाऊद उठकर उस स्थान पर गया जहां शाऊल पड़ा था, और दाऊद ने उस स्थान को देखा जहां शाऊल अपने सेनापति नेर के पुत्र अबनेर समेत पड़ा था। शाऊल तो गाड़ियों की आड़ में पड़ा था और उसके लोग उसके चारों ओर डेरे डाले हुए थे। मेरे मित्रों, दाऊद और उसके साथी छिपे हुए तो थे, परंतु वे अपने स्थान से शाऊल और उसके सैनिकों को देख सकते थे। हम पहला शाऊल 26 अध्याय 6 और 7 पद में पढ़ते हैं, तब दाऊद ने हित्ती अहिमेलेक और जरुयाह के पुत्र योआब के भाई अबिशै से कहा, मेरे साथ उस छावनी में शाऊल के पास कौन जाएगा? अबिशै ने कहा, तेरे साथ मैं चलूंगा। सो दाऊद और अबिशै रातों रात उन लोगों के पास गए और क्या देखते हैं कि शाऊल गाड़ियों की आड़ में पड़ा सो रहा है, और उसका भाला उसके सिरहाने भूमि में गड़ा है, और अबनेर और योद्धा लोग उसके चारों ओर पड़े हुए हैं। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद और अबिशै शाऊल की छावनी में गए और देखा कि शाऊल अपने सैनिकों के मध्य सो रहा है, उसका भाला उसके सिर के पास भूमि में गड़ा हुआ था। तब अबिशै ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे बेधता हुआ भूमि में धस जाए और मुझको उसे दूसरी बार मारना न पड़ेगा। मेरे मित्रों, अबिशै ने दाऊद से कहा, मैं उसे एक बार में समाप्त कर दूंगा और तुझे अपने बैरी से पूर्ण रीति से मुक्ति मिल जाएगी, बस मुझे अनुमति दे दे। परंतु उसने ऐसा नहीं किया। आइए हम पढ़ें पहला शाऊल 26 अध्याय उसका 9 पद, दाऊद ने अबिशै से कहा, उसे नाश न कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए कि दाऊद के पास शाऊल को मारने का अवसर था, परंतु उसने इनकार किया। वह परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाना चाहता है और वह नहीं उठाएगा। पहला शाऊल 26 अध्याय के 10 पद में लिखा है, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन के शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा, वह अपनी मृत्यु से मरेगा, वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा। हम देखते हैं कि दाऊद ने कहा, यहोवा ही उसको मारेगा। दाऊद इब्रानियों की पत्नी 10 अध्याय उसके 30 पद का सिद्धांत मानता था, जहां पर लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। जी हाँ, क्या आज मैं और आप अपने आप से बदला लेना चाहते हैं या हम परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं? कई बार मेरे प्रियो, हम अपने से ही किसी कार्य का बदला लेना चाहते हैं, जबकि यह उचित नहीं है। पहला शाऊल 26 अध्याय उसके 11 और 12 पद में लिखा हुआ है, यहोवा न करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषिक्त पर बढ़ाऊं, अब उसके सिरहाने से भाला और पानी की झारी उठा ले और हम यहां से चले जाएं। तब दाऊद ने भाले और पानी की झारी को शाऊल के सिरहाने से उठा लिया और वे चले गए, और किसी ने इसे न देखा और न जाना और न कोई जागा।
क्योंकि वे सब इस कारण सोए हुए थे कि यहोवा की ओर से उनमें भारी नींद समा गई थी। मेरे मित्रों, दाऊद ने जो किया वह कठिन काम नहीं था। उसने उसका भाला और पानी की सुराही उठा ली, कोई नहीं जागा क्योंकि परमेश्वर ने उनमें भारी नींद समा दी थी। क्योंकि जब परमेश्वर आपकी ओर होता है तो निश्चय ही आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। हम आगे देखते हैं, पहला शमूएल 26 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, तब दाऊद परली ओर जाकर दूर के पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ और दोनों के बीच बड़ा अंतर था। प्रिय मित्रों, दाऊद शाऊल की छावनी से निकलकर अपने स्थान पर नहीं गया, वह शाऊल की छावनी की दूसरी ओर गया, एक पहाड़ पर खड़ा हो गया और वह ऐसा स्थान था कि यदि कोई उस पर आक्रमण करता तो वह बचकर निकल सकता था। हम पहला शमूएल 26 अध्याय 14 से 17 पद में पढ़ते हैं, और दाऊद ने उन लोगों को और नेर के पुत्र अबनेर को पुकार के कहा, हे अबनेर, क्या तू नहीं सुनता? अबनेर ने उत्तर देकर कहा, तू कौन है जो राजा को पुकारता है? दाऊद ने अबनेर से कहा, क्या तू पुरुष नहीं है? इसराइल में तेरे तुल्य कौन है? तूने अपने स्वामी राजा की चौकसी क्यों नहीं की? एक जन तो तेरे स्वामी राजा को नाश करने घुसा था। जो काम तूने किया है वह अच्छा नहीं। यहोवा के जीवन के शपथ, तुम लोग मारे जाने के योग्य हो, क्योंकि तुमने अपने स्वामी यहोवा के अभिषिक्त की चौकसी नहीं की। और अब देख, राजा का भाला और पानी की झारी जो उसके सिरहाने थी वे कहाँ हैं? तब शाऊल ने दाऊद का बोल पहचान कर कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? दाऊद ने कहा, हाँ मेरे प्रभु राजा, मेरे ही बोल है। मित्रों, स्पष्ट कहूँ तो दाऊद अबनेर का ठड्ढा कर रहा था, क्योंकि वह शाऊल का सेनापति था और शाऊल की रक्षा करना उसका कर्तव्य और धर्म था। दाऊद उससे कह रहा था कि उसका राजा मारा जा सकता था। अब राजा और उसके सैनिक जाग गए और अचंभित थे कि हो क्या रहा है। दाऊद ने कहा, राजा का भाला और सुराही कहाँ है? संभवतः दाऊद ने उन्हें हाथों में उठाकर दिखाया कि यहाँ है, मैं चाहता तो शाऊल का कत्ल कर देता, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। यह एक महत्वपूर्ण बात है। मेरे मित्रों, दाऊद ने राजा को नहीं मारा। उसका स्वभाव अद्भुत था। दाऊद को विश्वास था कि परमेश्वर बदला लेगा। दाऊद की आलोचना करना हमारे लिए आसान है, परंतु क्या हम अपने बैरियों को परमेश्वर के हाथों में छोड़ देते हैं कि वही इसका बदला ले? हम स्थिति को अपने हाथ में लेकर अपने दोष लगाने वालों को उत्तर देते हैं और उनसे बदला लेते हैं। परमेश्वर ने कहा, मुझे स्थिति संभालने दो, तुम विश्वास में आचरण करो, मुझ पर भरोसा रखो। जी हाँ, हम देखेंगे कि दाऊद का भरोसा परमेश्वर पर था और परमेश्वर ने शाऊल का नाश किया। पहला शमूएल की पुस्तक 26 अध्याय उसके 25 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, शाऊल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। तब दाऊद ने अपना मार्ग लिया और शाऊल भी अपने स्थान को लौट गया। यद्यपि शाऊल ने अपनी गलती मान ली और दाऊद का पीछा करना छोड़ दिया, दाऊद जानता था कि वह राहत अस्थाई है। मित्रों, हम देख सकते हैं कि दाऊद का मन अति निराश था। वह भागते भागते और गुफाओं में छिपते छिपते थक गया था। अब हम आगे देखते हैं, 27 अध्याय में दाऊद फिलिस्तियों के देश में है। पहला शमूएल 27 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, और दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नाश हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं फिलिस्तियों के देश में भाग जाऊं, तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इसराइल के देश के किसी भाग में फिर न ढूंढेगा, यूं मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। मेरे मित्रों, यह दाऊद के जीवन की विशेषता है, विश्वास की ऊंची स्थिति से गिरना। यह पतन का समय था। अब्राहम के साथ भी ऐसा ही हुआ था, इसहाक और याकूब के साथ भी ऐसा ही हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर के भक्तों में अधिकांश के साथ ऐसा ही होता है।
मेरे मित्रों, इस अध्याय में आपके और मेरे लिए शिक्षा है। संभवतः आपके साथ आज कुछ समस्या है। आप संभवतः अंधकार से भरी घाटी में हैं और सोच रहे हैं कि क्या कभी उससे उभर पाएंगे या क्या कभी उससे मैं निकल पाऊंगा। आपकी समस्याओं का समाधान दिखाई नहीं देता है। यदि आपको सांत्वना मिले तो उस घाटी में अनेक जन हैं। यह एक आम रास्ता है। दाऊद आपसे और मुझसे बहुत पहले वहां से जा चुका है और यही कारण है कि दाऊद मेरे मसीही जीवन में मेरे लिए ऐसी बड़ी सहायता है। मित्रों, मैं उसके साथ निश्चय ही सहानुभूति प्रकट कर सकता हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि वह संपूर्ण जीवन भागता ही रहेगा और अंत में शाऊल के हाथों से मारा जाएगा। हम पहला शमूएल 27 अध्याय उसके 2-6 पद में पढ़ते हैं। तब दाऊद अपने 600 संगी पुरुषों को लेकर चला गया और गत के राजा माओक के पुत्र अकीश के पास गया और दाऊद और उसके जन अपने अपने परिवार समेत गत के अकीश के पास रहने लगे। दाऊद तो अपनी दो स्त्रियों के साथ अर्थात इज़रेली अहिनोम और नाबाल की स्त्री कर्मेली अबिगेल के साथ रहा। जब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद गत को भाग गया है, तब उसने उसे फिर कभी न ढूंढा। दाऊद ने अकीश से कहा, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो देश की किसी बस्ती में मुझे स्थान दिला दे जहां मैं रहूं। तेरा दास तेरे साथ राजधानी में क्यों रहे? तब अकीश ने उसे उसी दिन सिकलग बस्ती दी। इस कारण से सिकलग आज के दिन तक यहूदा के राजाओं का बना है। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ दाऊद है निराश, हतोत्साह, और वह ऐसा काम कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए था। वह इसराइल को छोड़कर पलिस्तियों में रहने के लिए चला गया है। मित्रों, इस अध्याय में ऐसा कुछ नहीं है जो दाऊद को परमेश्वर का जन प्रकट करे। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी कुछ निराशाएं आती है, परेशानियां आती हैं और हम परमेश्वर से दूर भागना चाहते हैं, लेकिन यह असंभव है। मेरे मित्रों, हम जहां भी जाएं परमेश्वर हमारे साथ है, उसकी आंखें सदैव हमें निहारती है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या मैं और आप उसको निहारते हैं।